हाँ डायग्रामेटिकली ठीक है। तो ये मॉड्यूल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पेज को कोई ना पेज क्या करेगा, कॉल करेगा, है ना, कोई ना कोई पेज क्या करेगा, कॉल करेगा, समझ में आ रहा है। तो दैट इज नथिंग बट अ कॉलिंग प्रोग्राम। कॉलिंग प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ड्राइवर, ठीक है। कॉलिंग प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टब। नेक्स्ट क्या है, स्टब, ठीक है। दैट इज नथिंग बट कॉल प्रोग्राम। स्टब मतलब क्या है, कॉल प्रोग्राम। तो ये वो पेज है जो क्या होगा, ओपन होगा कब, जब इसको, जब इसको कोई ना कोई पेज क्या करेगा, खोलेगा। दैट इज नथिंग बट स्टब। ठीक है, जी वाली मस्त बोलो। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, मैं वो एडजस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। जी जी हाँ जी हाँ, सभा को हम लोग घर से निकाल रहे हैं। जी टेक में अगर सोने का इंतजाम है तो देख रहे हैं। तो बताता हूँ ना मैं तुमको, इतना क्या है, इसको पूछ रहे कि आज तुम खाए नहीं एंड यू आर गेटिंग डिलेड एंड ऑल। हाँ यही बात कर रहे थे आपके वहाँ। इधर प्लीज। तो ड्राइवर क्या होता है, कॉलिंग प्रोग्राम, ठीक है। और स्टब्स क्या होता है, कॉल प्रोग्राम। क्लियर हो गया, डायग्रामेटिकली समझ में आया। ये इसको कॉल करेगा और ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। बना दो डायग्राम, चलो जल्दी। नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग पे मैं नहीं जाऊंगा, टाइप पे जाऊंगा। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग क्या, मैंने बहुत बार समझा चुका। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में हम टेस्ट केसेस बनाते हैं विद द रेंज, लाइक मिनिमम
मिनिमम प्लस वन माइनस वन मैक्स मैक्स माइनस वन मैक्स प्लस वन ठीक है समझ में आ रहा है तो उस रेंज में हम लोग क्या करते हैं इसके साथ खेलते हैं दैट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ठीक मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाऊंगा और स्टार्ट करेंगे ठीक है तो इधर देख रहे हो आप बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है नेम एज आधार कार्ड 12 डिजिट का ही होता है राइट है ना और एड्रेस ठीक है अब क्या है कुछ पार्टीशंस बने वन इज कॉल्ड वैलिड पार्टीशन अनदर वन इज कॉल्ड इनवैलिड पार्टीशन अभी देखो ये एज 18 से 30 है ठीक है ना इनपुट कितना होना चाहिए 18 से मतलब 18 से 30 वाले बंदों की एंट्री एक्सेप्ट करते हैं तो अगर 17 डालूंगा तो इनवैलिड होगा कि नहीं अरे है ना अगर 31 या 32 डालता हूं तो वो भी इनवैलिड हुआ बराबर आगे तो इसको हमको प्रैक्टिकली समझना है तो एक फंक्शन है जो नंबर एक्सेप्ट करता है 18 से 30 18 क्या है उसकी मिनिमम वैल्यू है ना 18 क्या है मिनिमम वैल्यू और 30 क्या है मैक्सिमम वैल्यू अदर वैल्यू क्या है जो वैलिड है 19 20 21 और 29 तक 18 से 30 चलेगा ना तो ये सब भी क्या हो गई वैलिड वैल्यू ठीक है इन वैलिड पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ नंबर विच आर लेस देन 18 जैसे 12 14 15 16 और 30 के ऊपर भी क्या हो जाएगी इनवैलिड हो जाएंगे कि नहीं ठीक है अरे समझा ना अरे 18 से 30 वैलिड है उसके नीचे के नंबर क्या होंगे इनवैलिड उसके आगे के भी नंबर क्या होंगे इनवैलिड मतलब जब वो नंबर यूजर डालेगा तो क्या आना चाहिए एरर आना चाहिए तो देखो इनवैलिड टेस्ट केसेस दिख रहा आपको 11 से 17 बना है वैलिड टेस्ट केसेस क्या है 18 से 30 बराबर और 31 से लेके आगे जोड़ेंगे वो कहीं में आएंगे इनवैलिड सपोज ये सब यूजर के इनपुट है तो वो इनपुट अपने अपने बक्से में गए बॉक्स में कोई इनवैलिड में गया कोई कह में गया वैलिड में बात समझ में आ रही है आगे नहीं क्यों गया समझा ना 18 से 30 में था इसके लिए ये सब वैलिड में गए जो कम में थे वो इस वाले इनवैलिड में गए जो ज्यादा में थे वो इस वाले इनवैलिड में गए समझ रहे स्टूडेंट्स क्लियर है क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ एंट्री एज की ज्यादा था 18 से लेके 30 वेरी गुड नेक्स्ट ठीक है तो चार वेरिएशन होते हैं बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग मतलब चार टाइप्स है सबसे पहला टाइप क्या है नॉर्मल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग चलो लिखो फर्स्ट टाइप क्या है नॉर्मल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग चार वैल्यू होगी सॉरी पांच वैल्यूज होंगी चार को कहेंगे एक्सट्रीम एक को कहेंगे नॉमिनल चार को क्या कहेंगे एक्सट्रीम और एक को कहेंगे नॉमिनल इसका मतलब क्या समझते चलो आगे एग्जांपल से समझ जाए मतलब पांच वैल्यू होंगी ओवरऑल एक होगा मीन एक होगा मीन प्लस वन एक होगा नॉमिनल और एक होगा मैक्स माइनस वन और मैक्स तो नॉर्मल बीबीए में नॉर्मल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में कितनी वैल्यूज होगी पांच ठीक है कितनी वैल्यूज होगी स्टूडेंट्स पांच मीन मीन प्लस वन नॉमिनल मतलब मिड वैल्यू नॉमिनल मतलब मिड वैल्यू मैक्स माइनस वन और मैक्स चलो इतना लिखो पहले अब जरा लिखो छोटे बच्चों को वैसे भी रोजा रखाना बोलना है
हाँ चलो अभी देखो, एक वेरिएबल है x, कितने वेरिएबल है x की मीन वैल्यू है 33 और मैक्स वैल्यू है 45। अभी ये 5 के मुताबिक बनाना है, मीन 33 है तो मीन प्लस 1 कितना हो गया स्टूडेंट 34, मैक्स 45 है तो मैक्स माइनस 1 कितना हो गया 44, बराबर हाँ कि नहीं। नॉमिनल मतलब मिड वैल्यू ना, तो मीन प्लस मैक्स डिवाइड बाय 2, 33 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, 78 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 39। चलो याद है, कैलकुलेट करो, इतना कॉपी करो जल्दी। मिड वैल्यू कैसे निकालते समझा ना, मीन प्लस मैक्स होल डिवाइड बाय 2। हो गया इतना जल्दी। पहले 5 वैल्यू होती ना, मीन मीन प्लस 1, नॉमिनल मतलब बीच की वैल्यू, मीन मैक्स माइनस 1 और मैक्स। नॉमिनल का फॉर्मूला क्या है, मीन प्लस मैक्स डिवाइड बाय 2। मैथमेटिकली करना जरूरी है क्योंकि जब 2 वेरिएबल का होगा तो टफ हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है सब मिड वैल्यू, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? चलो आगे बढ़ो। ओके, तो अगर मैं ऐसा इसका स्केल डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो मीन कहीं यहाँ होगा ए, मैक्स कहीं यहाँ होगा बी, बाकी तो वही है मीन मीन प्लस 1, नॉमिनल मैक्स माइनस 1 और मैक्स। 1 वेरिएबल है, कितने टेस्ट केसेस बनेंगे स्टूडेंट्स? 5, है ना, कितने बनेंगे 5। अब इधर देखो 5 टेस्ट केसेस कैसे बने, तो वो तो समझ में आ गया ना आपको, 5 टेस्ट केसेस क्या बनेंगे, 33, 34, 39, 44 और 45 आ गए। तो वो तो सिंपल था समझना। अब आएगा 2 वेरिएबल x एंड y। अब इधर समझना थोड़ा टफ है, इधर ध्यान देना प्लीज। सबसे पहले मीन और मैक्स, मीन और मैक्स, x का मीन कितना है 10, मैक्स कितना है 100, y का मीन कितना है 110 और मैक्स कितना है 200, बराबर। एक चीज देखना, ये x एंड y है ना, तो इसका हम कार्टेशियन डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे इस पे ध्यान नहीं करना अभी, ये जरा भी ध्यान नहीं देना, ये मैं समझाऊंगा आपको। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? कार्टेशियन डायग्राम यानी x एंड y, ठीक है। अभी देखो x मिनिमम कितना है 10, तो 10 से शुरू हुआ 100 पे खत्म हो गया, बराबर। y मिनिमम कितना है 110, खत्म कहां पे हुआ 200 पे, बराबर कि नहीं। अब वो अंदर कैसा बना है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इग्नोर करो अंदर के पार्ट फिलहाल के लिए, ठीक है। मीन वैल्यू कितनी है 10, है ना,
तो मीन प्लस वन कितना हुआ 11, मैक्स कितनी है 100, मैक्स माइनस वन कितना हुआ, नॉमिनल कितना हुआ 55, 10 प्लस 100 इज 110 डिवाइड बाय 55 है, तो जो जो आंसर आया ना वो यहाँ पे लिखा हुआ 10 मीन, मीन प्लस वन, नॉमिनल, मैक्स माइनस वन और मैक्स। सिमिलरली इसका भी निकालना है, मीन, मीन प्लस वन, नॉमिनल, मैक्स माइनस वन, मैक्स। समझा? चलो कैलकुलेट करो वहां तक, फिर अंदर का पार्ट समझाऊंगा। ये लिखो पहले ऊपर का, कॉपी करो, फिर आगे का पार्ट समझ में आ जाएगा। जल्दी स्टूडेंट्स, सब समझ रहा है? वेरी गुड। हाँ पहले लिख रहे होंगे ना बाकी। X और Y एग्जिस्ट पॉइंट मिल गए। ओके तो मैं इसका पहले डायग्राम और लिख ले लेता हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन यू द एवरीथिंग। ठीक है तो ये डायग्राम कैसे बना, नेक्स्ट वाला पार्ट ये समझेंगे, इधर ध्यान दो। आप लोग को मेरे को वैल्यूज बतानी है, ठीक है? वर्टिकल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो पहले बना है ना,
इसको ऐसे ओवल शेप बना दिया मैंने। हाँ अब सुनो, दसवां पॉइंट भी आता है उसका एक यहाँ पे बनाएंगे। इलेवन है, लाइन में आ रहा है ना इसके। हाँ एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट 55.155, 99 का इंटरसेक्शन इधर दिखेगा, 100 का यहाँ पर, 200 का इधर, 199 का इधर, 111 का इधर और 110 का इधर। अंदर कितने पॉइंट्स मिले हमको? नौ, आगे नहीं। कितने पॉइंट मिले आपको? ये हमारे टेस्ट केसेस, क्या थे हमारे? पहला टेस्ट केस था 10.155। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया ना, वहां पे बॉक्सेस बनाने का, ये दो थे, ये दो थे, ये दो थे, लास्ट में दो थे, बराबर। ये उसका हिस्सा नहीं देना, तो इसको ऐसा बनाने का, ठीक है? आगे अब इसके पॉइंट्स कहां कहां थे? यहाँ पे थे ना एक 10, 11, बराबर। इधर भी था 11 और ये 111, उसी तरह इधर भी 4 पॉइंट, ठीक है, उसी तरह इधर भी 4 पॉइंट और इधर भी 4 पॉइंट। जो जो अपने ओवल शेप में आया है ना, दैट इज नथिंग बट योर टेस्ट केसेस। पहला पॉइंट ये मिला, तो पहला टेस्ट केस क्या है? 10.155। दूसरा क्या मिला? 11.155। बीच का क्या मिला? 55.155। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया? 200.55। ये वाला क्या हो गया? 199.55। ठीक है ना, आगे लिखो ना, अभी हमें खेलते रहो, समझ गया ना इतना ना, ठीक है? These are nothing but test cases. चलो ध्यान दो इधर, तो टू वेरिएबल का केस था, आगे नहीं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का फॉर्मूला क्या था? 4x + 1। कितने वेरिएबल थे? दो, 4 2 8, 8 + 1 कितना हुआ? 9। उतने ही टेस्ट केस बने, देखो 9 टेस्ट केस जो मैंने लिखा वही है। समझ में आया? क्लियर है? समझा गया अच्छे से? ठीक है, तो जितने अपने ओवल शेप में डॉट्स आएंगे ना, हाँ, उतने ही हमारे क्या होंगे? टेस्ट केस, बराबर। नॉमिनल छोड़ के कितने वेरिएबल थे? 4। नॉमिनल छोड़ के 4 पैरामीटर थे, सॉरी कितने पैरामीटर थे? 4, mean, mean + 1, mean - 1, max - 1, max, बराबर की नहीं है ना? mean, mean + 1, max - 1, max। 4 कितने वेरिएबल थे? 2, 4 2 8 + 1, ये तो फॉर्मूला है 4x + 1। कौन से केस में? 2 वेरिएबल, कौन से केस में? 2 वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल था तो कितने केस के आए थे? 5, 4 1 4 + 1 = 5। समझ में आया? चलो बनाओ अभी और ये टेस्ट केस भी लिखो, इट्स नॉट दैट टफ, सिंपल है। चलो बनाओ जल्दी स्टूडेंट्स, फिर आगे पढ़ेंगे।
सूर्या स्टूडेंट्स आप वो नेक्स्ट लेक्चर में इसका ज्वाइन करिए, मैं वैसे भी इसको अपलोड कर रहा हूँ, यू कैन कंटिन्यू ये यूट्यूब पे देख सकते हो आप, ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। Then read it. तो खुद तो भी कुछ से लिख सकती हो अगर डायग्राम देख के, it's not that big deal. Thank you. Okay. Next is robust boundary value testing. Guys, आप लोग join कर लो ये सूर्या शुभ, आप लोग join कर लो Miss Kalachi, she is asking ना. भाई सेम कंटेंट पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके Next is robust boundary value testing. अच्छा, robust का मतलब होता है strong. Robust का मतलब क्या होता है? Strong. ठीक है? तो robust boundary value testing क्या? We'll try to understand. Okay? अभी अभी टेस्ट केसेस में हमने पांच चीजें कंसीडर की थी ना, अभी सेवन कितने हैं? सेवन। मीन माइनस वन, मीन प्लस वन, उधर खाली मीन प्लस वन था, माइनस वन नहीं था। अभी मैक्स माइनस वन, मैक्स और मैक्स प्लस वन, समझा गया? आगे अच्छा, अभी मेरे को बताओ कितने टेस्ट केसेस बननी चाहिए? कौन बोल रहा है? सात, सिक्स एक्स प्लस वन बराबर 13, 2 वेरिएबल में बनेंगे ना, वन वेरिएबल पर है, हाँ 7, वेरी गुड, कूल। अभी देखो एकदम सिंपल, मिनिमम वैल्यू 30 है, मैक्सिमम वाली कितनी है? 90। मिनिमम माइनस 1 कितना हुआ? 29। मिनिमम प्लस 1 31। नॉमिनल कैसा निकालते? मिड वैल्यू निकाल के, सेम प्रोसेस, मीन प्लस मैक्स डिवाइड बाय 2, 30 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, 120 बाय 2 इज 60। समझ में आ रहा है? आगे चलो, करो, इतना करना है, सब एग्जाम में आता ही है। क्या क्या तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या? 30 और 90 ना, 30 और 90 खत्म हो गया, तो तुमको इतना मिल गया, उसके बाद तो तुम आजादी की लड़ाई के लिए चले जाने चाहिए। मीन माइनस वन, मीन प्लस वन, नॉमिनल मैक्स माइनस वन, मैक्स मैक्स प्लस वन, एग्जैक्ट सिंपल, समझा? तेरे का आंसर चाहिए तो देख लो। सो सेवन टेस्ट केसेस पता है ना, 6 into x plus 1, variable कितना था? 1, 6 ones are 6, 6 plus 1, 7.
ठीक है। अब क्या में पढ़ेंगे फिर दो वेरिएबल में x एंड y। यार ये इमेज ऐसा है कि इसको मूव करना पड़ेगा क्या, वैल्यूज कैसे मिलेगी? एक मिनट, इसका तो समझ में आ गया मेरे को, 60 और 110 नीचे वाला, 60 और 110 और इधर का क्या है? रुको, अच्छा है ना, फिर से डालो मैंने डाली, देखो 40 और कितना है 80, चलो लिखो x है, x का मीन है 40 और मैक्स कितना है 80, y का मीन है 60 और मैक्स कितना है 110, चलो लिखो और बनाओ ये। अच्छा मेरा क्वेश्चन है सभा से, सभा कितने डेस्क के बनने चाहिए? सभा विल से टू वेरिएबल में, कैसे इससे समझ में आ गया 13 डेस्क केस होने के। अच्छा तो ये सर्कल की नहीं थी, अरे गरज क्या है, फॉर्मूला है 6x+1 बराबर कितने वेरिएबल है, तो 6 × 2 = 12 + 1 गार्बेज चीज कैलकुलेटिंग, मतलब कैसा मालूम है, एक ओनर कहता है कि मेरे पास है ना 10+3 मुर्गी है विद हैंस, ठीक है, एंड यू स्टिल कैलकुलेटिंग, पहली नहीं दूसरी तीसरी और चौथी वाली दो गैस को नसीब है क्या, यू आर इन दैट मोड। देखो ये आ रहा है क्या तुम लोग को? अच्छा अभी इधर जितने पॉइंट्स बच जाएंगे 3 तो उसके बॉक्स बनेंगे, समझता है ना, ये 3-3 बनेंगे, ये 3-3 बनेंगे रिमेनिंग वाले। टेस्ट केसेस कौन से होंगे जो ओवल के अंदर है, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 39.85, 40.85, 41.85, 60.85, फिर ये वाला, फिर ये जितने ओवल में है सब आपके टेस्ट केसेस होंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई समझने आता है ना, ग्राफ पढ़े थे ना,
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए वर्स्ट केस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। वर्स्ट केस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग।